वेलकम बैक टू मरीन बुक 28। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि चैप्टर में कौन से चैप्टर होते हैं, सॉरी कौन से चैप्टर आपके दिए गए हैं जीपी रेटिंग के सिलेबस में। मरीन इंजीनियरिंग नॉलेज एमई के ये एक बुक है जो जीपी रेटिंग की आपकी, इसमें सिलेबस में क्या क्या चैप्टर्स दिए गए हैं। सारे के सारे चैप्टर्स मैंने बताए थे आपको कि ये चैप्टर्स यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है सोचने वाली वो ये है कि अगर आप ये पूरी सीरीज देख रहे हैं, ये अपने चैप्टर नंबर वन जो मैंने स्क्रीन पर आपको दिखा के रखा है, ये चैप्टर नंबर वन है। ये मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और चैप्टर नंबर 20 तक आपको सारे चैप्टर को एक्सप्लेन करूँगा, समझाऊँगा कि उसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्टडीज़ के लिए और क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, इम्पोर्टेंट तो सभी है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या टिप्स होते हैं आपको एग्जाम पास करने के लिए, अच्छी रैंक कैसे लेके आनी है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे पूरी सीरीज में। ओके, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप वो सीरीज को बीच में स्किप ना करें। अगर आपने पहले वाला वीडियो कल वाला नहीं देखा है, आपने जो सिलेबस के बारे में डिस्कस किया है, पहले उसे देखें फिर इस बारे वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप जंप करते जाएंगे ये वीडियो फिर नेक्स्ट पार्ट ऐसे करके जंप करके देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे सही तरीका यही होता है कि हम कोई चीज़ को अगर करते हैं तो वो एकदम सिस्टमेटिक तरीके से करनी चाहिए हमें। तो पहले आप पहले सिलेबस का वीडियो देख लीजिए कि उसमें हमें क्या क्या सिलेबस कंप्लीट करना है पूरा, उसके बाद में हम चैप्टर वाइज आगे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें तो आगे की वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके, तो चैप्टर नंबर वन हम शुरू करते हैं। यहाँ पे सिलेबस मैंने बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, तो आप वहाँ जाके सिलेबस देख लीजिए। ओके, चैप्टर नंबर वन है आपका यहाँ पे, ये चैप्टर नंबर वन है आपका फैमिलाइजेशन विद ड्यूटीज इन इंजन रूम एनवायरनमेंट। मैं यहाँ पे बुक को फॉलो कर रहा हूँ बट यहाँ पे बुक की लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करो, अपनी आपके पास मगर एमईके की बुक है नहीं है तो आप परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आपको ऑब्वियसली कोर्स कर रहे हैं तो आपके पास बुक होगी ही, तो आप एमईके की बुक को खोल के देखेंगे तो आपको वहाँ पर ये पॉइंट्स मिल जाएंगे, बट एज इट इज़ नहीं होते हैं। मैंने यहाँ पर ये नोट्स बनाए हैं, जो मेरे पर्सनल नोट्स है वो मैं यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। ये बहुत सफिशियंट नोट्स है आपके लिए स्टडी करने के लिए, बट बुक को फॉलो ज़रूर करें। बुक को फॉलो करते जाएंगे तो आपको ये पॉइंट्स वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर एक की, फैमिलाइजेशन विद ड्यूटीज एंड इंजन रूम एनवायरमेंट। ओके, ये चैप्टर नंबर वन है आपका। उसके बाद में हम चैप्टर नंबर वन में हमें क्या क्या स्टडी करने हैं, स्टडी करने के लिए पॉइंट नंबर वन है आपका ड्यूटीज ऑफ इंजन रूम रेटिंग और इंजन क्रू बोलते हैं इसको हम उसमें, और उसके बाद में इंजन रूम मशीनरीज क्या क्या होती हैं इंजन रूम में, इंजन रूम स्पेस क्या क्या होते हैं इंजन रूम में, प्लेटफॉर्म कितने होते हैं, वर्कशॉप में क्या क्या मशीनें होती हैं इंजन रूम की, ऑक्जिलरी मशीन किसको कहते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ऑक्जिलरी मशीन्स यू विल फाइंड ऑन शिप, देन द डिफरेंस बिटवीन टर्म्स मेन इंजन एंड ऑक्जिलरी इंजन में क्या डिफरेंस होता है, टर्म्स में क्या डिफरेंस होता है, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन इक्विपमेंट एंड सिस्टम, इक्विपमेंट किसको बोलते हैं और सिस्टम किसको बोलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिम्बल्स यूज इन द इंजन रूम, इंजन रूम में हम कौन से डिफरेंट टाइप के सिम्बल्स यूज करते हैं। तो ये जो 10 स्टडी पॉइंट हैं, ये स्टडी पॉइंट हम चैप्टर नंबर एक में पढ़ने वाले हैं। ओके, ये जो 10 स्टडी पॉइंट हैं, ये 10 स्टडी पॉइंट आपका चैप्टर नंबर वन फुल कवर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक एक पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाने वाला मैं, एक ही एक पॉइंट एक वीडियो में एक या दो पॉइंट मैक्सिमम डिस्कस करूंगा, जिससे आप भी बोर नहीं हो गए और आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर कोई डाउट्स हैं तो ऑब्वियस है कि आपको कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे बता सकते हैं मुझे कि डाउट्स हैं हमारे ये, और उन डाउट्स को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, उनके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारे डाउट्स को मैं कवर कर लूँगा कि आपके जो भी पर्सनल डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर वन में 10 पॉइंट्स बताए आपको स्टडी पॉइंट्स। इसमें जो चैप्टर नंबर वन का जो पहला पॉइंट है हमारा, वो है हमारा ड्यूटीज ऑफ इंजन रूम क्रू, ड्यूटीज ऑफ इंजन रूम क्रू, और इंजन रूम क्रू को ही हम बोलते हैं इंजन रूम रेटिंग। ठीक है, इंजन रूम रेटिंग भी हम इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम सारे पॉइंट्स को वन बाई वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर वन है आपका ड्यूटीज़ में, ड्यूटीज़ क्योंकि आप जीपी रेटिंग कर रहे हैं, तो जीपी रेटिंग करने के बाद में जब आप शिपिंग में जाते हैं और वहाँ पे जब आप इंजन रूम इंजन साइड ज्वाइन करते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है डेक साइड ज्वाइन करने का, इंजन साइड ज्वाइन करने का, दोनों ऑप्शन होते हैं। तो अगर आप इंजन साइड ज्वाइन कर रहे हैं तो इंजन साइड में आप इंजन में जाएंगे तो ऐसे ऑयलर वाइपर जो भी रैंक आपको मिलेगी उसके उस पर जाएंगे, और आपको सारी ड्यूटीज़ पता होनी चाहिए कि आप इंजन रूम में जाएंगे तो आपको क्या क्या ड्यूटीज़ करनी है, क्योंकि हम जिस जॉब को कर रहे हैं उसकी ड्यूटीज़ तो पता होना ज़रूरी है ना।
तो आपको ड्यूटीज पता होना चाहिए, वही ड्यूटीज के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। ऑल ड्यूटीज यहाँ पे मैंने डिस्क्राइब नहीं की है, सम ऑफ द पॉइंट्स आर देयर, उन पॉइंट्स को हम अच्छे से समझ लेते हैं कि ये बेसिक ड्यूटीज हैं जो आपको शिप में जाके परफॉर्म करनी है अगर आप इंजन साइड ज्वाइन कर रहे हो एज ए जीपी रेटिंग। ओके, इसको हम रेटिंग भी बोलते हैं और इंजन क्रू भी, इंजन रेटिंग और इंजन क्रू दोनों दोनों वर्ड हम यूज करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हम जो फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा असिस्ट ड्यूटी इंजीनियर ऑफिसर ड्यूरिंग द मेंटेनेंस वर्क, जो सबसे पहला पॉइंट है वो असिस्ट द ड्यूटी इंजीनियर। आपका काम है कि आप अगर रेटिंग हो तो आपको असिस्ट करना है, किसको असिस्ट करना है, ड्यूटी इंजीनियर ऑफिसर को। जो इंजीनियर ऑफिसर्स वॉच में होंगे, जो ऑन ड्यूटी होंगे, उनको असिस्टेंस करना ही आपका काम है। ओके, वो जो भी बताएंगे वो आपको करना होगा। ओके, मेंटेनेंस चल रहा है मशीनों का, रिपेयरिंग हो रही है, उस टाइम पे जो उनको हेल्प लगेगी वो आप करेंगे। स्पैनर ला के आना है, हैमर्स लेके आना है, टूल्स इक्विपमेंट्स लेके आना है, तो उनको हेल्प करना ही आपकी एक ड्यूटी आती है। ओके, तो उनको असिस्ट करना है, असिस्ट ड्यूटी इंजीनियर ड्यूरिंग द मेंटेनेंस वर्क। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो है पॉइंट नंबर टू, लुब्रिकेट मूविंग पार्ट्स ऑफ द इंजन्स मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स। पॉइंट नंबर टू क्या है कि आपको जितनी मशीनें इंजन रूम में हैं जो रनिंग कंडीशन में हैं उनको आपको लुब्रिकेशन करना है। नॉर्मली ऑटोमेटिकली लुब्रिकेशन होता है, बट आपको वो चेक तो करना पड़ेगा ना। लुब्रिकेशन चेक करना किसकी ड्यूटी है, आपकी ड्यूटी है। तो आप क्या करेंगे वहाँ पे, लुब्रिकेशन ऑयल चेक करेंगे मशीनों का, जो मशीनें आपकी रनिंग कंडीशन में हैं। ठीक है, उनका लुब्रिकेटिंग ऑयल लैब चेक करो। इफ़ यू फाइंड अबनॉर्मल एनीथिंग आपको रिपोर्ट करना इमीडिएटली टू द ड्यूटी ऑफिसर। आप कोई भी एक्शन अपने मन से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, अगर आपको कुछ अबनॉर्मलिटीज लगती है तो आप सीधे सीधे जाके किसको बताएंगे, ड्यूटी ऑफिसर को बताएंगे। ड्यूटी इंजीनियर जो होगा वॉच में, उनको जाके आप रिपोर्ट करेंगे, सर ऐसे ऐसे ये अबनॉर्मलिटीज मुझे लगी है, प्लीज़ चल के देख लीजिए। ठीक है, इफ़ ही परमिट, अगर वो आपको परमिशन देते हैं कि आप जाके उसको सही कर दीजिए, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, बिना सीनियर ऑफिसर की परमिशन के, बिना ड्यूटी इंजीनियर की परमिशन से आप कोई भी इक्विपमेंट टच नहीं करेंगे। ओके, ये आपकी ड्यूटीज हैं, क्योंकि आप फ्रेशर हैं, आप जीपी रेटिंग करके अभी भी ट्रेनिंग करके आए हो, आप फ्रेशर हैं उस टाइम पर। ठीक है, पॉइंट नंबर तीन हो गया आपका, नहीं पॉइंट नंबर तीन, ऑपरेट एंड मेंटेन द पंप एंड वॉल्स अंडर द गाइडेंस ऑफ द सीनियर इंजीनियर ऑफिसर। पंप्स वॉल्स इनको ऑपरेट करना, इनका मेंटेनेंस करना, इनका लुब्रिकेशन करना, ये सारे काम आप करेंगे, बट उस टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सीनियर ऑफिसर जो हैं उनका गाइडेंस फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप फ्रेशर हैं। तो आप सीनियर ऑफिसर्स जो भी हैं आपके इंजीनियर्स, उनको आप पूछ लीजिए, सर बता दीजिए हमें ये कैसे करना, वो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, देन यू हैव टू परफॉर्म योर ड्यूटीज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्लीन इंजन पार्ट्स एंड इंजन रूम मशीनरी। इंजन पार्ट्स को क्लीन करना है, इंजन रूम मशीनों को भी क्लीन रखना है, साफ सफाई रखना है, ये आपके ड्यूटीज में आता है। ओके, इंजन रूम इंजन को पूरा साफ रखना है आपको। नेक्स्ट है लुक आफ्टर द इंजन रूम स्टोर ईआर। ये जो ईआर लिखा है ना, ये इंजन रूम होता है, ईआर मिस होता है इंजन रूम। ठीक है, ई मिस इंजन, आर मिस रूम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे मैंने। तो यहाँ पे क्या करना है, लुक आफ्टर द इंजन रूम स्टोर्स एंड स्पेयर्स। इंजन रूम में जो स्टोर्स होते हैं उनको आपको देखना है, और उनमें जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं उनके बारे में इन्वेंट्री बना के रखनी है, उनको लुक आफ्टर करना है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पेंट इंजन रूम। इंजन रूम को क्लीनिंग करना है तो पेंटिंग भी आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है असिस्ट वॉच कीपिंग इन द इंजन रूम। जो इंजीनियर ऑफिसर वॉच में होते हैं उनको भी आपको असिस्ट करना होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है मॉनिटर इंजन पैरामीटर सच एज प्रेशर गेज, टेम्परेचर गेज एटसेट्रा। आपको इंजन्स में और मशीनों में जो पैरामीटर्स लगे होते हैं उनको मॉनिटर करना है, और उनमें अगर कोई आपको अबनॉर्मल लगता है तो आपको ड्यूटी इंजीनियर को रिपोर्ट भी करना है। ठीक है, तो उनके जो प्रेशर गेजेस होते हैं, टेम्परेचर होते हैं, उनकी रीडिंग्स क्या होती है, वो सब चीज़ आपको वहाँ पे जाके देखनी है, और अगर आपको लगता है कुछ अबनॉर्मल है तो आपको रिपोर्ट करना है। ओके, तो ये बेसिक 8 पॉइंट थे हमारे, ड्यूटीज ऑफ द इंजन रूम रेटिंग और यू कैन से इंजन रूम क्रू। ठीक है, ये पॉइंट नंबर टू हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, स्टडी पॉइंट नंबर टू। ओके, ये यहाँ तक के लिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। और कोई डाउट्स हैं आपको अगर, तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने डाउट्स लिखिए, मैं ऑब्वियस उनको ट्राई करने सॉल्व करने की कोशिश करूँगा सारे डाउट्स को एक अलग से वीडियो बना करके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।